हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो भाई आज की वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज ना मैं पॉकेट एफएम के अंदर राइटर नोवेल के अंदर भाई जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना यार, सच में पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग से और एंड तक का, ठीक है, मतलब बिल्कुल एंड नहीं यार, ये बिल्कुल एंड तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी यार, कई घंटे की वीडियो हो जाएगी स्टार्टिंग से, और गाइस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक हम लोगों का क्या क्या प्रोसेस रहता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और गाइस अगर आप लोगों का कोई टॉपिक हो ना, आप लोग उसी को अभी कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि यार लास्ट में ना आप लोग जाते जाते भूल जाते हो, ठीक है। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक भी कर देना, वो भी आप लोग जाते जाते भूल जाते हो, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई टॉपिक है उसको भी कमेंट कर देना, और गाइस अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से कर लेना, जिससे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग कभी मिस ना कर पाओ। और गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार हम लोगों को चलना होगा उसके लिए गाइस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और गाइस देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लेकिन यार आप लोग इसको फोन के अंदर भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम को ओपन करना है, और वहां पे आप लोगों को डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहीं पे मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रोसेस बताता हूँ कि भाई स्टार्टिंग से आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक आप लोगों को क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें आप लोगों को देनी पड़ती है वहां पे, तब आप लोगों को आपका पैसा जो है वो मिलता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और गाइज यहाँ पे आप लोग देखो भाई, हम लोगों ने वही वाला जो हमारा पहले नॉवल था वो यहाँ पे हम लोगों ने लेकर के रखा हुआ है। देखो यार सेम आप लोगों को फोन की स्क्रीन पे बिल्कुल सेम ही काम करना है, फोन की स्क्रीन पे भी आप लोगों को कुछ अलग नहीं करना है। आप लोग क्या करना है भाई, यहाँ आप थ्री डॉट पे जाओगे ना, तो इधर की साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप साइट का, उस डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे जब आप लोग क्लिक कर लोगे ना, तो आपको सेम इसी तरीके का ऑप्शन दिखेगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर आप लोग को अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है किस तरीके से हम लोग को अकाउंट क्रिएट करना है। गाइस उसके बाद में मैंने आप लोग बताया था कि भाई जैसे ही आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे ना, आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप गाइस यही होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को अपना नॉवल का कुछ भी एक टाइटल लिख देना है, ठीक है, मैं एक कुछ भी टाइटल लिख देता हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पे क्रिएट नॉवल एंड गो टू फर्स्ट चैप्टर पे हम लोगों को जाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है गाइस, नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो यार थोड़ा सा वेट आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में भाई यहाँ पे ना हम लोगों को कुछ भी लिखना होगा, जो भी अपने चैप्टर्स वगैरह हैं A to Z, हम लोग जैसे कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को पूरे 1000, ठीक है, कम से कम गाइज यहाँ पे हम लोगों को जो लिखने हैं ना, कम से कम 1000 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखते जाएंगे कि भाई कितने यहाँ पे हमारे वर्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों को दिखता जाएगा कि कितने वर्ड हो गए। अब जब आप लोग यार वर्ड अपने काउंट कर, जब अपने आप पूरे वर्ड लिख लोगे ना, कम से कम 1000 लिख रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम देखो कम से कम आप लोगों को 1000 वर्ड लिखने हैं, और मैक्सिमम आप लोगों को 5000 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई मैक्सिमम 1000 और मिनिमम 1000 तो लिखने हैं, और गाइज मैक्सिमम आप लोगों को 5000 वर्ड तक आप लिख सकते हो एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब चैप्टर लिखने के साथ साथ ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि भाई आप लोग मात्रा सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, ठीक है। क्योंकि गाइस जो सबसे ज़्यादा नॉवल्स रिजेक्ट होती है ना, वो इसी वजह से रिजेक्ट होती है कि भाई उनके जो टाइपिंग होती है ना, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, जैसे कि मात्राएँ गलत होती हैं, ठीक है। कोई अगर गाइस मेल के लिए कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, तो हम लोग उसको लिख देते हैं कि भाई किसी फीमेल के लिए वो सेंटेंस बोला गया, ठीक है, उस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो स्टोरी के अंदर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो हम लोगों को पढ़ने से लगेगा कि भाई मेल के लिए बोला जाना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग गलती नहीं करनी है भाई, एक दो बार आप जो भी चैप्टर लिखोगे ना, उसको पढ़ के क्रॉस चेक कर लेना है एक दो बार जरूर से, ठीक है, जो भी आप लोग लिखोगे कि भाई मैंने कहीं पे गलती तो नहीं की है। मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, वर्ड गलत नहीं होने चाहिए गाइस। उसके बाद में आप लोग को डायलॉग्स को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है, ठीक है। अगर एक ही बंदा बहुत लंबा डायलॉग बोल रहा है, लेकिन उसमें गाइज बहुत सारे सेपरेटेड सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पे गया आ गया, कहीं किया आ गया, कहीं पे है आ गया, तो वहां ना आप लोगों को कॉमा लगाना है, और पूरे के पूरे उस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास में कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना है अगर इंग्लिश में लिख रहे हो, जगह जगह पे जहां भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है,
वरना अगर आप लोग हिंदी में लिख रहे हो तो भाई आप लोगों को पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना भाई, ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी पड़ेगी। उसके बाद में ना लास्ट में जब आप लोग गाइज अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद में लास्ट में आप लोगों को लिखना है यहाँ पे क्रमशः, ठीक है, क्रमशः लिख के, और उसमें ना लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ देना है, जैसे कि राम ने रुद्र के थप्पड़ मारा, ठीक है। तो वहाँ पे क्रमशः में नीचे लिख देना है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से राम ने रुद्र को थप्पड़ मारा, क्या, ठीक है। इस तरीके से मतलब यार कुछ भी लिख देना है, जो भी आप लोग दिमाग में आता है या फिर जो भी आपकी स्टोरी के अंदर है भाई, वो आप लोगों ने एक सस्पेंस बना देना है कि आपके सेकंड चैप्टर को लोग पढ़ने के लिए भाई एकदम उतावले हो जाए कि हाँ भाई मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को गाइस ये अपने चैप्टर का नाम लिख देना है, ठीक है, जो एक बढ़िया सा एक यूनिक नेम ढूंढ के रखना है अपने पूरे के पूरे चैप्टर में से, कहीं से भी एक कोई एक ऐसा वर्ड लिख देना, एक दो वर्ड ऐसे लिख देना कि हाँ भाई उसको पढ़ने से लगे कि उसको पढ़ना ही, इस चैप्टर को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। जब आप लोग इतना काम कर दोगे ना, उसके बाद में गाइज आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। उसके बाद में जैसे हम इस वाले नॉवल पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एडिट नॉवल पे आते हैं। जब आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको अपने नॉवल का टाइटल लिखना है, नॉवल डिटेल्स लिखनी है, ठीक है, नॉवल का नाम लिखना है कि आप किस नॉवल को लिखना चाहते हो, अपनी नॉवल का एक नाम कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे एक सीरियल होता है उसका नाम होता है, सपोज दैट कि जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो एक नाम हो गया। तो सेम आपको यहाँ पे अपने नॉवल का नाम लिखना है, उसके बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, तमिल में, गुजराती में, किस में आपकी जो नॉवल है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई किस किस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं इसके ऊपर में जो नॉवल्स हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, मलयालम, तेलुगु और मराठी, ठीक है। उसके बाद में कन्नड़ा, इंग्लिश, ओडिया और गुजराती, इन लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो इन सभी में से आप कोई भी जिस भी लैंग्वेज की आपकी नॉवल है उसको सिलेक्ट कर लेना। देखो यार वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें मेरे को इस वीडियो के अंदर क्लिक पूरी करनी है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। उसके बाद में भाई कॉन्टेस्ट, इसको आप कट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है भाई आप लोग कॉन्टेस्ट सिलेक्ट करो। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। मैंने जैसे साईफाई सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में गाइज यहाँ पे हम लोगों को टैग डाल देने हैं, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैं टाइम ट्रेवल डाल देता हूँ, साईफाई में गाइज वो भी आता है, ठीक है, एलियंस डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे दोबारा से मैं एक टैप करता हूँ, तो गाइज यहाँ पे तीन हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, तीन हम लोग डाल सकते हैं टैग। तो हम लोगों ने तीन टैग डाल दिए। उसके बाद में ना आपने स्टोरी में बताया क्या है उसको शॉर्ट में आप लोग बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में, ठीक है। तो यार मैंने ये जो चैप्टर का एक बड़ा सा ग्राफ जो है उसको कॉपी किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना आपको पूरा का पूरा इसको लिख देना है कि भाई आपने स्टोरी में अपनी में बताया क्या है, अपने एक स्टोरी का छोटा सा छोटे मतलब पूरी स्टोरी को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना है उसको हिंदी में। उसके बाद में गाइज आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में आपको लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, एक लैंग्वेज एक ही सिलेक्ट करनी है, ज़रूरी नहीं है यार आप लोग दोनों को ही सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ रनिंग ही रहने देना है, उसके बाद कंप्लीट नहीं करना है भाई, कंप्लीट कर दोगे तो आपके नॉवल पे अर्निंग नहीं हो पाएगी, रनिंग ही रहने देना है। उसके बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, जैसे कि भाई आप जो है वो किसी के और के काम को कॉपी नहीं कर रहे हो, आपके खुद का ही काम है। उसके बाद में सेक्सुअल कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 18 से ऊपर के जो लोग पढ़ सके ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे द एज ऑफ 18, ठीक है। उसके बाद में बुक्स कॉन्सेक्चुअल सेक्स, ठीक है, तो भाई मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भाई उसमें एडल्ट वगैरह की जो चीज़ें वो आ जाएं, ठीक है, कि उसको बच्चे ना पढ़ सके या फिर उसको कहीं ग्रुप में बैठ के ना पढ़ा जा सके, ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ नहीं करनी है, वरना आपका जो नॉवल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर सकते हो, चूज डिफरेंट फाइल पे आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपने फोल्डर में पहुँच जाओगे गाइस, जहाँ पे भी आप अपनी इमेजेस वगैरह को रखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसको सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग सेव पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे गाइस एक कैटेगरी सॉरी सब कैटेगरी एक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव पे करना है। सेव पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये हो गया भाई सेव, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है गाइज, हम लोगों को पूरे के पूरे महीने के अंदर 30 या 31 दिन होते हैं, ठीक है, तो महीने के अंदर सिर्फ 4 से 5 दिन ही आप लोग स्किप कर सकते हो। 4 से 5 दिन, जैसे महीने के अंदर आप कहीं जॉब करते हो ना, 4 से 5 दिन छुट्टी होती है, सेम उसी तरीके से भाई आप 4 से 5 दिन ही छोड़ सकते हो स्टोरी को लिखना। आप लोगों को 26 दिन कंटिन्यू स्टोरी यहाँ पे लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना
कि अगर भाई छठा दिन स्किप हो गया, 5 से 6 दिन अगर स्किप हो गया, तो भाई आपकी नॉवल को एक्सेप्ट होने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में गाइस जब आप लोग यहाँ पे अपने 30,000 वर्ड कंप्लीट कर लोगे ना, जब आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी नॉवल जो है वो सजेशन में जाने लगेगी, पब्लिश हो जाएगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश, प्लीज पब्लिश एटलीस्ट 5 चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है विजिबिलिटी टू योर बुक विच हेल्प रीच मोर, तो मतलब और लोगों के पास में जाने लग जाएगी जब आप लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। कम से कम यह 5 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करने। उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है भाई, एक और प्रॉब्लम आती है कि हमसे कोई गलत चैप्टर लिख गया और वो पब्लिश भी हो गया, तो उसको हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे 3 डॉट आप लोगों को मिलेंगी, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, तो डिलीट करेंगे, डिलीट दिस चैप्टर यहाँ पे हम लोग कर देंगे, ये पहुँच गया भाई ट्रैश में, ठीक है। वापस में हम ट्रैश में आएंगे, यहाँ पे इस पे आएंगे और यहाँ पे 3 डॉट आप लोगों को दिखेंगी, एक आएगा परमानेंट, या इस तरीके से जब आप डिलीट पे करोगे तो आपके सामने आएगा डिलीट परमानेंटली, ठीक है। तो डिलीट परमानेंटली पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। बिल्कुल ही हम लोगों ने जड़ से खत्म कर दिया है इस चैप्टर को। उसके बाद में हम लोग दोबारा से उस चैप्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई इतना काम हो गया कि हाँ, मैंने आप लोगों को इतना बता दिया कि आप लोगों को 30,000 वर्ड कंप्लीट करने हैं। 30,000 वर्ड कंप्लीट करने के बाद में ना भाई आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आता है साइन योर कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शन आता है जहाँ ब्लू कलर का लिखा हुआ है साइन योर कॉन्ट्रैक्ट। अब जब जैसे ही आप लोग साइन योर कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने गाइस कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, आपके सामने ना कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होकर आती है, वो क्या आती है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे जेंडर है तो हम लोगों ने मेल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में ईमेल आईडी होगी, यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे रेडियो चैनल में आपका स्वागत है, ठीक है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको भाई चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी को रखना चाहो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे अब ये चीज़ें ना भाई आपको पहले नहीं करनी है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 30,000 वर्ड कंप्लीट होने से पहले ये चीज़ें नहीं भरनी है जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आने के लिए स्टार्टिंग में आ जाती है लेकिन भरना नहीं है पहले से, ठीक है। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन के टाइम पे ही ये चीज़ें भरनी है। बैंक डिटेल, फुल नेम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पैन कार्ड नंबर। अब गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्या ये सेफ है कि हम अपनी डिटेल्स डालें और हमारी डिटेल्स वहां से चोरी हो जाए। तो गाइस एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। आप जेन्युइन एप्लीकेशन है, क्योंकि खुद यार मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये कमाए हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग डिटेल्स डालोगे तो भाई आप ही पैसा कमाओगे। आपकी डिटेल्स राइटर नॉवल या पॉकेट एफएम कहीं भी नहीं भेजता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखता है जिससे कि वो आपको पेमेंट कर सके, ठीक है। एकदम जेन्युइन है, भरोसा कर सकते हो, कहीं आपकी कोई भी डिटेल लीक नहीं होगी, ठीक है। अगर गाइज यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ में फिल करते टाइम आपसे अगर OTP मांगा जाता है ना, तो आप लोग मत देना कहीं पे भी। अगर कोई बंदा आपके पास में कॉल करके कहता है कि भाई मैं पॉकेट एफएम से बात कर रहा हूँ और आपने अपनी बैंक डिटेल वगैरह फिल की हुई है, आपका एक OTP चाहिएगा, तो भाई किसी को भी OTP मत देना। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जब तक OTP किसी को नहीं देते हो ना, तब तक आपकी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें सेफ है, आपका पैसा आपके जो बैंक अकाउंट में वो भी सेफ है, हर एक चीज़ आपकी सेफ है जब तक आप खुद से OTP किसी को नहीं बताते। और OTP भाई अपने अलावा किसी को नहीं बतानी है किसी भी एप्लीकेशन की, ठीक है, खास करके इसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद में भाई पासबुक की हम लोगों को गाइस जो स्टार्टिंग का जो फोटो होता है, जो हमारी डिटेल्स होती हैं, उसका फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर चेकबुक का फोटो, कैंसिल जो चेक होता है ना, उसकी फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल, अपनी पैन कार्ड का एक फोटो फ्रंट से खींच करके यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपना आपको एड्रेस लिखना है, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लाइन, हाउस नंबर, अपार्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखने देनी है। और भाई इसमें कंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉकेट एफएम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही काम करता है, ठीक है, किसी और कंट्री में नहीं, कोई भी बांग्लादेश, नेपाल, किसी अदर कंट्री में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे कंट्री आप लोगों को भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे, वो आती है आपकी नॉवल की डिटेल्स, ठीक है। उसमें से आपसे 3 कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि आप अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताओ और उस कैरेक्टर का वहाँ पे रोल क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फिल करनी होती हैं। उसके बाद में भाई आप लोगों से एक चीज़ और पूछी जाती है, एस्टिमेटेड वर्ड्स,
तो आप लोगों को 1 लाख प्लस वर्ड कोई भी नंबर आप लोग डाल सकते हो, 1 लाख प्लस ही वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है भाई 1 लाख प्लस में ही वो नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख से कम में होगा ना, अगर आप 99,999 अगर वहाँ पे नंबर लिखोगे वर्ड्स के अंदर, एस्टिमेटेड वर्ड्स के अंदर, तो भाई यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो 1 लाख प्लस में कोई भी नंबर डाल सकते हो। वहाँ पे एक्चुअली में पूछा जाता है कि आपकी स्टोरी जो है वो कम से कम कितने वर्ड्स में कंप्लीट हो सकती है, तो आप 1 लाख प्लस ही डालना, क्योंकि यार किसी भी स्टोरी को कंप्लीट करने में 1 लाख से ज़्यादा तो वर्ड हो ही जाते हैं यार, आराम से अगर उसको लिखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप ये डिटेल्स भर दोगे ना, उसके बाद में साइन कॉन्ट्रैक्ट या सबमिट का एक ऑप्शन आता है, सबमिट पर क्लिक करना है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में भाई आपको 3 से 4 महीने तक वो जो है वो प्रोसेसिंग में रहता है बहुत बार, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई 1-2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर भी वो अप्रूव्ड हो जाता है, अगर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों ने अप्लाई की हुई है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे इनकम वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा अगर आप लोगों ने साइन कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो भाई यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल दिखेगा एक ऑप्शन, ठीक है। आपका नॉवल का नाम दिखेगा, डेट दिखेगी किस डेट में आप लोगों ने अप्लाई किया था, यहाँ पे दिखेगा पेंडिंग अप्रूवल, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जब आपका नॉवल एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगी 3,000 प्लस, ठीक है, हमेशा 3,000 प्लस यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट दिखेगी, और यहाँ पे आप लोगों का दिखेगा भाई एक्सेप्टेड, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की दिखेगी। तो उस टाइम से जब आप लोगों का एक्सेप्टेड आ जाएगा ना, जिस डेट से एक्सेप्टेड आ जाएगा उसके अगले महीने से, ठीक है, सपोज दैट कि गाइस भाई आज है, अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, आज है 27 सितंबर है, कितनी है, ठीक है, हाँ देखो 27 सितंबर है आज की डेट, तो 27 सितंबर से अगली जो आएगी ना गाइज अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में 3 दिन का क्या ही पैसा बनेगा, अक्टूबर आप लोग पूरा महीना लिखोगे, उसके बाद में नवंबर के 12 तारीख को पेमेंट आ जाएगी, अगर 10, 11 और 12 में अगर कोई भी छुट्टी नहीं होगी तो, ठीक है, 3 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है, 3 वर्किंग डेज के अंदर 12 तारीख को, अगर 12 से 3 दिन पहले भाई अगर कोई छुट्टी आ जाती है तो उस छुट्टी के अगले 3 वर्किंग डेज के अंदर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है, जो भी आप लोग अकाउंट यहाँ पे ऐड करते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी यार, ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, ठीक है। उसके बाद में भी एक चीज़ और रह गई, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना, आप लोग देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते हैं, अगर सपोज दैट भाई मैं इस वाले कॉन्टेस्ट पे जाता हूँ, देखो वैसे तो यार ये खत्म होने वाला है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट 100K वर्ड 6 अक्टूबर है, ठीक है। तो गाइज अभी 27 सितंबर हो चुका है, तो भाई 1 लाख वर्ड लिखना और वो भी 9 दिन के अंदर भाई पॉसिबल नहीं है, तो वैसे भी हम लिख भी नहीं सकते, अगर 5,000 में डेली के भी लिखूंगा तो भाई 45,000 ही वर्ड में यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 दिन के अंदर, तो 1 लाख वर्ड हम लोग वैसे भी नहीं लिख सकते हैं 6 अक्टूबर तक। उसके बाद में भाई ये जो नॉवल है ना, ये जो सॉरी गाइस यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है, इसके अंदर जो फर्स्ट प्राइज होगा ना उसको देखो 20,000 रुपये मिलेंगे उसके अकाउंट में, जो भी उसने अकाउंट वगैरह ऐड किया हुआ है, 10,000 कॉइन के साथ बिलबोर्ड पे 7 दिन प्रमोट होगी, यानी कि जो मेन इंटरफेस होता है ना उस पर 7 दिन तक प्रमोट होती रहेगी, और 10,000 कॉइन भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। जो सेकंड आएगा उसको 12,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 कॉइन और 5 दिन तक उसकी स्टोरी को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 कॉइन मिलेंगे और 3 दिन तक प्रमोट भी किया जाएगा। उसके बाद में भाई टॉप 10 नॉवल्स को पॉकेट नॉवल ऐप पर कम से कम 1 दिन के लिए प्रचार किया जाएगा, और जो शुरू के 10 होंगे ना इन तीनों से अलग, ठीक है, इन तीनों से अलग जो 10 लोग होंगे ना टॉप नंबर पे, उनकी स्टोरी को भाई 1 दिन के लिए प्रमोट किया जाएगा पॉकेट नॉवल ऐप पे, और सोशल मीडिया पेजेस में भी शाउट आउट जाएगा, ठीक है, जो सोशल मीडिया के गाइस इनके पेजेस है ना उनमें भी जाएगी। रैंक 4th और 5th वाले को 8,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन भाई कॉइन वगैरह नहीं मिलेंगे, सिर्फ 8,000 रुपये मिलेंगे। देखो प्रमोट तो 10 लोगों की होगी स्टोरी, लेकिन उसमें से जो 4th और 5th आएगा उसको 8,000 रुपये मिलेंगे दोनों को, 4th को भी 8 और 5th को भी 8। रैंक 6 वाले को 5, रैंक 7 वाले को भी 5,000, उसके बाद 8, 9 और 10 इन तीनों को 4,000 मिलेंगे। उसके बाद 11 से 30 तक जिनकी रैंक आएगी ना उन सभी को भाई 1,000 रुपये भी मिलेंगे, और 30 जो राइटर होंगे ना उनको फिजिकल प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि उनको एक फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कहीं कोई गाइज कहीं पे फंक्शन किया जाएगा। फिजिकल का मतलब होता है यार बिल्कुल लाइव देना, ठीक है, हैंड टू हैंड, ऐसा नहीं है यार डिजिटली नहीं, फिजिकली बोला हुआ है इसमें, तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपको इनविटेशन डाला जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपका सारा रहने का खाने का, ठीक है, हर एक चीज़ की व्यवस्था की जाएगी, वो भी खुद ही राइटर नॉवल वाले ही करेंगे, ठीक है, सभी
प्रतिभागियों को 100 के शब्द के पहुंचने पर मिलेंगे 1000 कॉइन, यानी कि सभी को 1000 कॉइन मिलेंगे, ठीक है, अगर 100000 वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो। सभी प्रतिभागियों को विशिष्ट डिजिटल से प्रमाण पत्र नवाजा जाएगा यदि शर्तें मेल खाती हैं तो भाई। और सभी को देखो यहाँ पे 30 लेखकों को तो फिजिकली दिया जाएगा, ठीक है, जो 30 राइटर होंगे उनको तो फिजिकली बुला करके दिया जाएगा सर्टिफिकेट, और जो सभी के सभी गाइस जो 100 के वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे ना उनको एक डिजिटली सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें मिलती हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। जो फर्स्ट नंबर पे है ना भाई ये है दीपक कुमार, सेकंड नंबर पे ब्लैक हार्ट प्रिंसेस, ठीक है, इसने स्टोरी लिखी है भाई द बिलीनियर्स स्वीट वाइफ, इसने अनकहे जज्बात, ठीक है। उसके बाद में भाई आशीष कुमार शाहू ये थर्ड नंबर पे है और इसने लिखी है रिबॉर्न टू बिकम द इटर्नल एम्परर, ठीक है। तो ये लिखे हुए हैं भाई जो टॉप के हैं, ठीक है। सी ऑल रैंकिंग अगर देखें तो भाई यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो कि 10 नंबर तक है, जिनको कि पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख गया होगा पैसा, तो भाई वैसे 30 लोगों तक मिलेगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी। तो इस तरीके से यार आप लोग अगर काम करते हो ना सही में, अगर जेन्युइन तरीके से काम करते हो तो आप लोगों को यार जेन्युइन चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि भाई मैं खुद से यार यहाँ पे मैंने पेमेंट अर्न किया है 33,000 रुपये भाई मैंने खुद से कमाए हैं। मैं इसीलिए इस एप्लीकेशन के बारे में इतना कुछ बताता हूँ कि यार जो लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं ना यार वो लोग भी कमा सके, ठीक है। मेरी स्टोरी कंप्लीट हो गई, इस वजह से यार मैं नहीं आगे लिख पाता हूँ, क्योंकि यार मेरे को वीडियोज़ भी देखनी होती है और मेरे को दो दो चैनल देखने होते हैं जहाँ पे मेरे भाई दोनों पे चैलेंज डल रहे हैं कि डेली मेरे को वीडियोस अपलोड करनी ही करनी है, तो यार उसकी वजह से मेरे को लिखने का भी टाइम नहीं मिलता। वरना लिखने के लिए मैं दूसरी नॉवल लिख सकता हूँ, ठीक है, बट यार सारी बात है कि भाई मेरे को टाइम भी मिलना चाहिए। लेकिन यार जितना मैंने कमाया, जितना मैंने पहले टाइम दिया था, जितना मैं उस टाइम पे तीन तीन चार चार दिन में एक एक वीडियो डालता था, उस टाइम पे मेरे पास टाइम होता था, उस टाइम पे मैं आराम से लिखता था और डाल देता था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने 30,000 से 33,000 रुपये यहाँ पे कमाए हैं, तो भाई आप भी कमा सकते हो अगर आप सही से काम करते हो तो। तो फिलहाल आज मैंने आप लोग यार इतना कुछ बताया, यार वीडियो देखो यार बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आई नो कि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन यार ये जो वीडियो है ना ये आपके ही फायदे के लिए मैंने आप बनाई है। इतनी लंबी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई है, जिसमें यार सारा कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। उसके बाद में भाई अभी मैं आगे बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा, सारी की सारी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हो। पॉकेट एफएम के बारे में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो भाई वहाँ पे आप लोगों को जो भी पॉकेट एफएम से रिलेटेड वीडियोज आएंगी ना स्टेप बाय स्टेप वो आप लोगों को वहीं पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो गाइस बस यही थी वीडियो, आई होप कि यार वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। और गाइस अगर यार आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, जिससे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग कभी मिस ना कर पाओ। और अगर आप लोग गाइस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, तभी आप लोग यार गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यार गिव अवे का जो विनर होगा वो कमेंट से ही पिक करा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।